हमारे साथ आपके ट्रेनर मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इंजमाम भाई आएँ और आपसे बात करें और अपने बारे में बताएं और इनकी क्या अचीवमेंट है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, टाइम देख रहा था मेरे पास 20 मिनट था, टाइम मुझे ना मुझे बताइएगा। तो बोलना शुरू होता ना मुझे फिर पता नहीं चलता टाइम का। अच्छा, तो थोड़ा सा अपना तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम इंजमाम मलिक है, जैसे कि आपको सबने बताया। अच्छा, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो बचपन से ही शुरू कर दी थी, बचपन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, बचपन से इस हिसाब से कह रहा हूँ कि जब हम छोटे छोटे थे ना, सारे जो दोस्त हैं हम लोगों को कंप्यूटर में ना गेम खेलने का बड़ा शौक था। तो कंप्यूटर्स तो बड़े महंगे होते थे भाई, 40-50 हज़ार के होते थे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2004-05 की। तो हमारी खाला थी, उनके पास ना हम जाते थे सारे दोस्त इकट्ठे हो गए ना, उनके पास कंप्यूटर था, पता नहीं पेंट के प्रूफ वगैरह कुछ था, बड़ा महंगा था, उस पर कपड़ा ढाक के रखा जाता था। तो हमें ना 15-15 मिनट मिलते थे, माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे जाके ड्राइंग बनाते थे, वो पता नहीं कार वाला गेम खेलते थे उससे। तो वही पहला सफर शुरू हो गया था वहाँ से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। तो जहन में क्यूरियोसिटी थी, आप लोगों के बहुत सारे लोगों के जहन में क्यूरियोसिटी होगी कि यार ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे जो हम ड्राइंग बना लेते हैं ये बना कैसे होगा, ये जो हम गेम खेलते हैं ऐसे इस तरफ का बटन दबाते हैं तो कार इधर टर्न हो जाती है, इधर दबाते हैं तो इधर टर्न हो जाती है, ये बना कैसे होगा। तो ये फिर क्यूरियोसिटी लेके ना, अच्छा फिर ये भी एक सवाल था जहन में कि कंप्यूटर तो होता क्या है। बैंक वगैरह कभी जाने का इतफाक होता ना, देखते तो थे उस वक्त बैंक में भी कंप्यूटर एक होता था पूरे ब्रांच में, या कभी किसी जो ऑफिस वगैरह होते थे उस जमाने में स्कूल वगैरह या बड़े कॉरपोरेट्स होते थे तो वहाँ पे आप मूवीज वगैरह भी देखते थे कंप्यूटर रखा हुआ बनने के। अब हमें जस्ट इतना पता था कि कंप्यूटर में हिसाब किताब होते हैं, क्या हिसाब किताब होता है ये भी क्यूरियोसिटी थी। तो मैं जब भी किसी से मिलता था ना, किसी होते हैं ना खानदान में बड़े बूढ़े कोई होते हैं आते हैं नसीहत करने, अब तो शायद वो ख़त्म हो गया ट्रेडिशन वरना मेरे टाइम पे ये होता था कि जब भी कोई खानदान के बड़े होते थे ना, कोई ऑस्ट्रेलिया कनाडा से वो भी इधर आते थे पाकिस्तान, तो उनका ना हमारे साथ सेशन किया जाता था। वो आते थे हमारे घर, बच्चे सारे उनके सामने बैठ जाते थे, पहले तो शिकायतें होती थी कि ये पढ़ाई नहीं करता, इसको डांटे हम, फिर उसके बाद वो बताते थे कि यार थोड़ा सेशन होता था हमारा। तो मेरा हमेशा उनसे सवाल होता था कि यार कंप्यूटर में होता क्या, हिसाब किताब तो होता है लेकिन कौन सा हिसाब किताब होता है, वो तो कैलकुलेटर में भी हो जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो कैलकुलेटर में भी हो जाता है, इस पर कौन सा हिसाब किताब होता है। तो ये भी एक क्यूरियोसिटी आप सब लोगों के जहनों में होगी। अच्छा, फिर जब मैट्रिक वगैरह कर लिया उसके बाद इंटर में एडमिशन लिया था, मैंने डी ए में एडमिशन लिया क्योंकि उसमें लिखा हुआ था आई टी, इस नाम के पीछे मैं गया था। प्री इंजीनियरिंग का मैंने सिलेबस देखा, मैंने कहा ये तो पता नहीं क्या है बिहार में, तो मैंने एडमिशन करवा दिया था उन्होंने, लेकिन मैंने फिर जाके ना अलग से डी ए में एडमिशन ले लिया, जिद करके बहुत जिद करके लिया मैंने। तो वहाँ पर जब आई टी में मेरा एडमिशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डी ए किया था मैंने, तो वहाँ पर जब मैं पहले दिन जाके बैठा तो उन्होंने ना सी लैंग्वेज पे हेलो वर्ल्ड लिखा और स्क्रीन पर प्रिंट किया, तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ गया, मैंने कहा यार यही तो है, मेरी तो आँखें खुल गई, मैंने कहा भाई यही करना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ 2010 की बात बता रहा हूँ, 2010-11 की बात बता रहा हूँ। अच्छा, तो फिर वो दो तीन साल, अच्छा एक ही टीचर आते थे, आपको पता है कॉलेजों का हमारे हाल क्या है, वहाँ पे वो एक ही टीचर आते थे बेचारे, वो भी ऑफिशियल टीचर नहीं थे, उसको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ था, नौशाद आरजू साहब थे, अभी भी कहीं देखते होंगे मेरी वीडियो तो उनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। तो नौशाद आरजू साहब से पहली दफ़ा प्रोग्रामिंग पढ़ी मैंने। अच्छा, तो वो तो सी लैंग्वेज पढ़ ली, मगर सी लैंग्वेज को बेसिक प्रोग्रामिंग है ना, वो तो रियल लाइफ में तो नहीं यूज़ होती, वो तो जो यूज़ होती है ग्राफिक के ड्राइवर वगैरह बनते हैं, तो ड्राइवर्स वगैरह टाइप की चीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जो रियल लाइफ की एप्लीकेशन है ना फ्रंट एंड एप्लीकेशन, वो तो सी लैंग्वेज में ही बनाते हैं आमतौर पर लोग, और सी लैंग्वेज होती भी बड़ी मुश्किल है, उसको कोड करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, फिर सैलानी से तारुफ हुआ, तो सैलानी से ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह सारा सीखा, जो आप भी सीखेंगे ना वो कोई सीखा है मैंने सैलानी से, जो आपको सिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद सैलानी से 2 साल तक सीखते रहिए,
वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें बनाना यहाँ से सीखी है। और उसके बाद फ्रीलांसिंग शुरू कर दी, और अभी अलहमदिल्ला एक छोटी सी कंपनी रन कर रहा हूँ मैं सिस बॉर्ग के नाम से, वो कैनेडा में भी रजिस्टर है, यहाँ पे भी है, एक दो पार्टनर है, कुछ वहाँ रहते हैं, कुछ हम, कुछ मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। और सैलानी में पढ़ा रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिन टीचर ने मुझे इस काबिल बनाया है तो उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो उनका कमाल है, उन्होंने पढ़ा दिया। अब मेरा कमाल जब होगा कि मैं भी किसी को पढ़ा दूँ, और मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कंपनी रजिस्टर करे जब अमेरिका में, कनाडा में, और डॉलर कमाए, तो फिर मैं, मेरा बनेगा कि हाँ मैं बोलूँगा हाँ यार अब मैं फ़खर कर सकता हूँ। अभी तो मैं फ़खर नहीं कर सकता, अपने ऊपर क्या फ़खर करूँ यार, वो तो मेरे टीचर का कमाल है सारा जिन्होंने बना दिया इस काबिल। अच्छा, तो किसी चीज़ को दिल में लिए, मैं ये समझता हूँ कि कर्ज है मेरे ऊपर, तो वो कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा आ जाते हैं शाम के टाइम पढ़ा देते हैं बच्चों को, बाकी सुबह के टाइम कंपनी देख लेते हैं थोड़ी। अच्छा, और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिला। अच्छा, मेरी शुरू मैंने किया था करियर अपना वेब डेवलपमेंट से, जो आप ये कोर्स अभी पढ़ेंगे, लेकिन दीज डेज मेरी स्पेशलिटी जो है वो चैट बॉट और वॉइस एप्लीकेशन। तो और मेरा अभी अभी तक का मिला के काइंड ऑफ कोई 10 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि मैंने 2010-11 से शुरू कर दिया था फ्रीलांस, अभी 2022 आ गया, तो शायद 10 साल हो गया है। अच्छा, तो अब ये बताने का मकसद क्या है, ये बताने का मकसद ये है कि मैं आपको जो चीज़ें सिखा सकता हूँ वो आपको कहीं से भी सीखने को नहीं मिलेगी, उसका रीजन समझें आप, और से समझेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हर फील्ड की बात है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात नहीं है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ ग्राउंड पे, ग्राउंड पे मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि कस्टमर के अभी नीड क्या है, अभी डिमांड्स क्या है, मार्केट की सूरत हाल क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी में क्या मसला आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब आउट ऑफ डेट होती है ना, जाहिर है बुक तो बहुत दिनों में लिखी जाती है। जैसे अभी आप कोविड की मिसाल लें, कोविड के इन 2 सालों में जो फाइनेंशियल सेक्टर है हमारा, जो फाइनेंस का सेक्टर है, उसमें इतनी डिसरप्शन हो गई है ना, जो बुक्स में थोड़ी होगी, बुक्स में तो वो चीज़ होती है जो बड़े दिन बाद, वो मैं ये मेरा ये ख्याल है कि आज से 5 साल बाद भी ना जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो डिसरप्शन हो गई है वो बुक्स तक नहीं पहुँच पाएगी, बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर अब जैसे क्रिप्टो करेंसी के आने के बाद जो बैंक्स में जो डिस्ट्रक्शन हुई है, आपका अगर किसी बैंक के ब्रांच में जाने का इतफाक हो तो एक ज़माना था वहाँ पर लोग खड़े होते थे, 4-5 लाइन्स उन्होंने कैशियर बिठाए होते थे, 2-3 उन्होंने रिलेशन वाले मैनेजर बिठाए होते थे, और भी पता नहीं 2-3 तरह के अलग अलग मैनेजर होते थे, आउटडोर के 2-3 बंदे होते थे। अभी आप जाएंगे ना, एक ही बंदा बैठा होगा बेचारा, कैश काउंटर पर ना एक ही बंदा होगा, सीट होगी 3 लेकिन एक से ज़्यादा बंदा नहीं दिखेगा आपको, और रिलेशन मैनेजर के नाम पे एक ही उन्होंने बंदी बिठाई हुई होती है कम पैसों में, और मैनेजर एक होता है, तो टोटल 3 या 4 लोग होते हैं पूरे ब्रांच में, ताकि आप देखें आपको पता चलेगा। और एक ज़माना था कि बैंक का जो मैनेजर होता था उसकी तनख्वाह बहुत होती थी, अभी वो तनख्वाह बहुत आधी से भी कम हो गई है, और बैंक का मैनेजर आपको पता है वो आसान काम नहीं है, वो सुबह उठता है बेचारा, वो ब्रांच मैनेजर की बात हो रही है जो जैसे अभी मैं फ़ोन करता हूँ, हाँ भाई राजा साहब क्या हाल है, वो फला चीज़ करता है, वो फला चीज़ आएगी होगी उसको प्रॉब्लम, ये उस वाले मैनेजर की बात हो रही है जिसको आप कॉल करते हैं, वो सुबह उठता है 6 बजे और 7 बजे वो पहुँचता है स्टेट बैंक, स्टेट बैंक से वो पैसे निकलवाता है, पैसे निकाल के ना दिन में जितना ब्रांच में पैसों की ज़रूरत होती है वो पता होता है उनको, यार इतने पैसे चाहिए होते हैं पूरे दिन, वो पूरे निकाल के उसको थैले में पैक करके सील करके, और वो सील फिर अपनी निगरानी में उसको गाड़ी में रखवाता है जो पैसों वाली गाड़ी होती है, उसके बाद लाता है उसको ब्रांच पर, 8 बजे वो गाड़ी ब्रांच में पहुंची हुई होती है, उस वक्त तक कोई एम्प्लॉई अभी तक और नहीं आया, कोई उसे पकड़ा है, वो अपनी निगरानी में उसको तिजौरी के अंदर रखवाएगा, उसके बाद गाड़ी वाले को भेजेगा वापस, उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता सारे एम्प्लॉयज आने शुरू होंगे और वो पहले से वहाँ बैठा, गाड़ी उन्होंने ऐसी थोड़ी दी हुई होती है, वो कहते हैं गाड़ी दी गई तो चलाओ इसको वो कराची के स्कोरे से स्कोरे 4 चक्कर लगवाते हैं दिन में। अच्छा, फिर शाम को 5 बजे बैंक तो बंद हो जाते हैं 5 बजे, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना क्लोजिंग करते हैं, डे की क्लोजिंग होती है, वो 7 बजे तक चलती है समझाएँ, एटलीस्ट 6 बजे तक चलती है, 1 घंटा तो लगेगा ना,
पूरे जो भी चेक आज के आए हैं टीजरिंग वेजरिंग की साइड पे करके सबको चेक वेक करके आगे पीछे करेंगे। उसके बाद 8 बजे अब गाड़ी का इंतजार कर रहा था, मैनेजर बैठा है, बाकी सारे जा चुके हैं, गाड़ी आएगी तो पैसे को दोबारा थैले में पैक करेगा, उसमें सील लगाएगा, अपनी निगरानी में गाड़ी में रखेगा, गाड़ी आगे आगे होगी या खुद पीछे पीछे होगा, स्टेट बैंक वापस जाएगा, वहाँ पे पैसे गिनवा के ना वहाँ पे वापस तिजोरी में रख के उसकी रिसीविंग लेगा कि मैंने जमा करा दिया, और फिर अपने घर जाएगा रात को 10 बजे। अब वो 10 बजे भी है करीब पर हुआ, इतनी मुश्किल जॉब है और सैलरी उसकी अब मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही पूछ लीजिएगा कोई आपका होगा ना जान, बल्कि वो राजा साहब को ही फोन करेंगे ना, राजा साहब थोड़ी यार बताओ उसे क्या सैलरी है, मैं भी बनना चाह रहा हूँ ब्रांच में, वो कहेगा भाई वो भाई नहीं बन कुछ और बन जाके, ये बोलते हैं वो कहते हैं कुछ और बनो भाई। तो ये डिसरप्शन कैसे हुई है, ये डिसरप्शन इस वजह से हुई है कि अब तो मोबाइल ऐप हो गया ना सब कुछ। अभी मैं कल परसों टीवी पे ऐड देख रहा था, अभी यहाँ पे भाई ना अब हुआ है दुबई में 5 साल से हो रहे हैं, मोबाइल ऐप होती है जैसे फेसबुक पे साइन अप करते हो ना ऐसे साइन अप करके बैंक अकाउंट मिल जाता है। अभी मैं कल परसों टीवी पे ऐड देख रहा था, वो यहाँ हो गया दुबई में 5 साल से लेंगे, मोबाइल ऐप होती है जैसे फेसबुक पे साइन अप होता है, साइन अप किया फोटो सेल्फी डाली और बस खुल गया अकाउंट, तो थंब इंप्रेशन तो पुराना हो गया ना, अब तो फेस आई डी है, चाइना में आपको पता है पूरा फेस से वो रिकग्नाइज करते हैं, थंब वो पुराना आइटम हो गया, वो बस आपने सेल्फी दे दी हो गया, उन्होंने AI लगाया है कि वो रियल बंदे का फेस है, क्योंकि ऐसे उसे घुमा के ना यूँ तो फाइनेंस में भी ऐसे ही आजकल करते हैं, वैसे घुमा के यूँ किया बस हो गया वो, आप फोटो नहीं दिखा सकते कागज वाली फोटो को घुमाएंगे कैसे आप, वो घुमा घुमा के फेस देगा बस हो गया अकाउंट खुल गया, और उसके बाद किसी को पैसे भेजने हैं तो वो तो आपको पता ही है ऐप से ट्रांसफर, कैश निकाल लो ATM में भी कार्ड वो खत्म हो गया, वो पूरी दुनिया में कार्ड नहीं है चलता, बस थंब इंप्रेशन लगाओ कि सामने जाके आप खड़े हो फेस डिटेक्ट करते हैं पैसे दे देते हैं आपको, दैट्स इट। पैसे जमा कराने उसके लिए भी ATM जैसी मशीन होती है, आप पैसे डालते हैं वो खींच लेता है पैसे, दैट्स इट। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना इस वक्त ये मैं आपको एक छोटा सा डेटा पॉइंट दे रहा हूँ, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं पिछले 2-3 सालों में, इस वक्त कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बैंक के ब्रांच खुले हैं ना वो सिर्फ KYC के लिए खुले हैं, नो योर कस्टमर के, भाई जो बैंक अकाउंट खोल रहा है क्या वो असली बंदा है या किसी फालसे वाले के मुंह के आगे आपने ऐप को मार के अकाउंट खोल दिया, हो रहा है ना, या ऐसा भी हुआ है वो जिस दिन ये KYC उन्होंने स्टेबल कर लिया ना मोबाइल ऐप पे, अभी तो ऐड चल रहा था टीवी पे मोबाइल ऐप से आप अकाउंट खोल रहे हैं, वो जिस दिन KYC इनका हो गया ना ये सारे ब्रांच बंद हो जाएंगे, क्यों रखे गए ब्रांच को, आपको पता है रेंट कितना होता है बिल्डिंग का, अगर इतनी बड़ी जगह है जितनी बड़ी जगह पे आप बैठे हैं इतना ही बड़ा होता है ब्रांच जो होता है बड़ा वाला, और छोटा होगा तो इसका 1/4 होगा शायद, जो भी सलानी के बहादुराबाद वाले ना वो इसका 1/4, तो इतनी बड़ी जगह की भी 40-50 हज़ार रुपये रेंट है इस वक्त कराची के अंदर, वो 40-50 हज़ार बचाएगा ना अपने, फिर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया हुआ है, फिर मैनेजर जो बैठा है उसको भी पैसे देने हैं, अंदर एक जो बंदा कैश गिरने वाला उसको भी पैसे देने हैं, इसलिए AC चलेगा तो बिजली का बिल आएगा, कितनी चीज़ें हैं उस ब्रांच के साथ एसोसिएटेड, तो ये पूरा जोर लगा रहे हैं इस वक्त कि ये सारे ब्रांच बंद हो गए किसी तरह, समझ लो बात को, थोड़ा सा हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, आपको चलो यार बैंक तबाह हो गए, ऑटोमोबाइल तो है लाखों गाड़ियां चल रही हैं, ये जितने भी ड्राइवर हैं ये सारे बेरोजगार होने वाले हैं, और ज़्यादा दिन नहीं है ये मुश्किल से 3-4 साल है, 2025 तक आपको ये जितनी भी रोडों में गाड़ियां घूम रही है ना ये सब ऑटोमेटेड होगी, बंदा नहीं चला रहा हूँ ऑलरेडी खत्म होना, अच्छा क्या हो सकता है थोड़ा देर से पूरी दुनिया में तो हो जाएगा अगले 4 सालों में, I am damn sure अबाउट दैट। आप एक बुक है टर्निंग ऑयल इंटू सॉल्ट, वो अगर आपको पढ़ने का मौका मिले आपको या उसकी समरी, आजकल तो वो यूट्यूब है ना आप लिखेंगे ना बुक समरी और बुक का नाम लिखेंगे तो वो ऑडियो बुक वो समरी बता देता है, तो उसकी समरी आप सुनेंगे ना तो उसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका की जो थिंक टैंक है अमेरिका का वो क्या कर रहा है, वो ऑयल को सॉल्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज सॉल्ट, आपको जो सैलरी मिलती है ना जो वर्ल्ड सैलरी है ये सॉल्ट से निकला है, क्योंकि पहले सॉल्ट दिया जाता था और सॉल्ट की बहुत वैल्यू होती थी, क्यों होती थी वैल्यू, क्योंकि कुछ मेडिकल पर्पसेस के लिए सॉल्ट यूज होता था,
और फूड को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर किसी बंदे का आपने नमक बंद कर दिया ना तो वो सर्दियों में भूख से मर जाएंगे क्योंकि फूड प्रिजर्व कैसे करेंगे। अच्छा तो फिर सॉल्ट की वैल्यू खत्म कैसे हुई? अभी 50 रुपए का पैकेट इतना बड़ा मिल जाता है वो कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि फूड प्रिजर्व करने के एक तो वैक्यूम आ गया, कैन बन जाता है, कैन कर दो एक महीने तक फूड को कुछ नहीं होता, सदर पर बैठे हुए कैन करने वाले। तो पता नहीं कौन सा हली में, क्या कराची हली में, मजेदार हली में कराची फूड वाले ये सब कैन कर देते हैं। आप घर से कढ़ाई बना के लेके जाओ उनको दो, वो 100 रुपये लेते हैं, वो कैनिंग कर देते हैं। एक तो ये टैकिंग आ गई, दूसरा रेफ्रिजरेटर आ गए। रेफ्रिजरेटर के आने के बाद फूड प्रिजर्वेशन का कोई इशू ही नहीं है। आप अपने घर में डिफ्रीजर में अगर गोश्त रखते हैं, होता है ना बकरीद का गोश्त पूरे साल खाते हैं, खत्म कर सॉल्ट की वैल्यू। इस वक्त ऑयल की बहुत वैल्यू है। अब ये ऑयल को सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट करें? ऑयल की वैल्यू को जीरो करना चाहते हैं तो, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है ना, उसको पता है अगर हमने ये, क्योंकि ऑयल अमेरिका के पास नहीं है तो सऊदीया से जाता है, इधर से इराक ईरान अफगानिस्तान इन जगहों से जाता है, फिर सोमालिया वोमालिया में इतनी पूरे बंदे मार दिया था। अब शेल की अगर वो पढ़ेंगे ना केस स्टडी, तो शेल वालों ने ऑयल निकालने के चक्कर में पता नहीं तो पूरी आर्मी को उन्होंने रिश्वत दी कि मार दो सारे बंदे, कहते हैं हमारे घर है यहाँ तो ऑयल निकालोगे पूरा खत्म हो जाएगा इकोसिस्टम, उन्होंने कहा मार दो सबको। उन्होंने आर्मी उन्हीं की आर्मी से उनको सबको मरवा दिया, लाखों लोग मरे हैं शेल ने मरवाए। केस स्टडी है वो तो आप पब्लिक आप जाके गूगल करेंगे आपको मिलेंगे। तो अच्छा अब ये भी पता है कि वो लिमिटेड है ऑयल, अभी तो सऊदीया दे रहा है, कल को सऊदी का दिमाग खराब होता है तो फिर अमरीका क्या करेगा? सुपर पावर है वो तो, और उसको सुपर पावर होल्ड करना है। इन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक इज द ओनली सॉल्यूशन। अच्छा अब ये इलेक्ट्रिक कार्स जो है ना सारी जोशी का उसी का एक कड़ी है। आप इमेजिन करें कि जितनी भी रोड पे कार चल रही है इसके लिए पेट्रोल चाहिए होता है ना आपको, पेट्रोल निकलता है सऊदी अरब से या ईरान इराक कहीं से, वहाँ से पाइपलाइन के जरिए आता है। अच्छा उस पाइपलाइन की भी बहुत स्टोरी है, वहाँ पे पूरे इन्होंने नेटो की फोर्सेज लगाई हैं और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग मरते हैं, कभी तालिबान हमला करते हैं इनकी पाइपलाइन उड़ा देते हैं, इनका नुकसान होता है, फिर ये बंदे फोर्स भेजते हैं स्नाइपर भेजते हैं वहाँ बंदे मार देते हैं। इसको तो मूवीज बनी हुई है, मैं वो बात कोई अंदर की बात नहीं बता रहा मैंने, इस टॉपिक पे मूवीज बनी हुई है कि वो पाइपलाइन पे क्या कहानी चल रही है। फुल मेटल बॉडी आप देखेंगे ना उसके 3-4 पार्ट है, उधर ही पाइपलाइन पे उनकी ड्यूटी होती है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है वो पूरी स्टोरी है। तो पॉलिटिकल को पूरा इशू चलता रहता है वहाँ। फिर वो वहाँ से अमरीका तक आता है, अमरीका में आकर वो रिफाइन होता है, रिफाइन होकर फिर ट्रक्स के जरिए पूरे अमरीका में हर हर गली के पेट्रोल पंप तक उसको पहुँचाना होता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समझ लो। अब अगर ये चीज़ इलेक्ट्रिक हो जाए, इलेक्ट्रिक का तो ग्रिड बिछा हुआ है ना पूरे मुल्क में पहले ही, बस अब आपने क्या करना है इलेक्ट्रिक को बनाना है। इलेक्ट्रिक को पेट्रोल से ही बनेगा इलेक्ट्रिक भी, लेकिन इसके और भी तरीके हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि पेट्रोल से ही बन रहा है, लेकिन पेट्रोल एक जगह लाना होगा, पूरे मुल्क पर ट्रक से नहीं भिजवाना होगा, कितनी बचत होगी। लेकिन एटॉमिक बिजली घर आ गया, पानी से बिजली बन सकती है, सोलर से बिजली बन सकती है, बिजली को बनाने के 10,000 तरीके हैं, सिर्फ पेट्रोल से नहीं बनती। तो ये पूरी जान लगा रहे हैं कि ये सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो जाए। अच्छा इलेक्ट्रिक भी हो जाए और साथ में ऑटोमेटिक भी हो जाए। अभी आपको पता है टेस्ला ने वो बीटा अभी रिलीज कर दिया है जो फुली ऑटोमेटेड है। सर पहले तो ये होता था ना कि बंदा बैठा हुआ वो असिस्ट होता था कि आपने अगर स्टेयरिंग को टच नहीं किया 10-12 सेकंड पर तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी साइड पर लगा के रुक जाता था। अभी उन्होंने फुली ऑटोमेट कर दिया, बीटा है वो जो यानी डाउनलोड करना पड़ेगा उसको, बीटा पे साइन अप करके फुली ऑटोमेट है। आपने जैसे गूगल मैप यूज़ करते हो ना, आप अपने यहाँ पर मैं बैठा हूँ अब यहाँ से मैंने लगाया बहादुराबाद की चौकी, तो वो मुझे बताते हैं डायरेक्शन ऐसे मोड़ो ऐसे मोड़ो, गाड़ी में स्क्रीन लगी हुई है, आपने सेलेक्ट किया बहादुराबाद की चौरंगी, स्टार्ट का बटन लगा दिया, दैट्स इट। उस गाड़ी के चारों साइड कैमरे लगे हुए हैं, एआई से वो देखता है कौन सा बंदा है, कौन सा खोखा है, कौन सा गाड़ी की रक्षा है, वो सबको बचाता हुआ ब्रेक लगाता हुआ आपको बचा देगा। आपको पता है दुनिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन है जिसका रोजगार ड्राइविंग से जुड़ा हुआ है? किसी को पता है? किसी के पास फिगर्स है? कोई इंटरेस्टेड है नंबर्स में, फिगर्स में इंटरेस्टेड है आप में से कोई? कितनी परसेंट आबादी दुनिया की आपके ख्याल में होगी? चलो अपना ओपिनियन बता दो। 15-20% अच्छा मेरा ये ख्याल है 15-20% तो बहुत बड़ा फिगर बन गया। मेरा ख्याल है शायद 5% ऐसे लोग हैं, 5% पूरी दुनिया की आबादी जिनका रोजी रोटी
ड्राइविंग से चलती है और वो नस्ल दर नस्ल ड्राइवर है। एटलीस्ट 5% लोग ऐसे और वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। आपको पता है ड्राइविंग के पैसे कम नहीं है, ड्राइविंग बहुत महंगा पेशा है और बहुत खतरनाक भी है। साथ साथ जो ट्रकर्स होते हैं ना, प्रोफेशनल ट्रकर्स, जो यहाँ हमारे पास सी पोर्ट है ना, यहाँ से माल आता है शिप से दूसरी कंट्रीज से, और यहाँ से लेके फिर उसको लाहौर, इस्लामाबाद, सक्कर, हैदराबाद सब जगह वो ट्रक से जाता है, तो वो फौरन पहुँचाना होता है, उसमें डिले नहीं चाहिए होता है, तो वो ट्रक को इंजन बंद नहीं करते उसका, वो 35-35, 40-40 दिन कंटिन्यूस चलता है, वो इंजन उसका बंद नहीं करते। दो बंदे पीछे सो रहे होते हैं, दो आगे बैठे होते हैं, शिफ्ट चेंज होती है, तीन शिफ्टों में गाड़ी चलाते हैं, उसका इंजन शट ऑफ नहीं करते, चलते हुए इंजन में पानी, ऑयल, पेट्रोल, डीजल सब डालते हैं, फॉरन लेके जाना होता है, और उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं इस चीज़ को, मतलब पूरे महीने के जो ट्रिप करते हैं ना, एक एक ट्रिप उनका 20-30 लाख रुपए का होता है, और खाना पीना अलग फ्री होता है, वो सारे बेरोजगार होने वाले। अब अगर किसी के जहन में कोई और फील्ड है तो मुझे बताओ और कौन सी फील्ड बच गई। और साथ साथ सारे मैकेनिक भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम थोड़ी आता है। और कोई फील्ड कीजिए बची, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, ये भी एक सवाल है ना, वो तो बंद ही करेंगे। वो भाई टेस्ला का आप देखे ना डॉक्यूमेंट्री, एक भी बंदा नहीं है पूरी फैक्ट्री के अंदर, टेस्ला की गाड़ी जहाँ पे बनती है ना, एक भी बंदा नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को, रोबोटिक आर्म से वही वेल्डिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने तो मसला ही हल कर दिया ना, ये गीगा प्रेस नाम की टेक्नोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट की है, वैसे तो वो बनाई है इसराइल, इसराइली टेक्नोलॉजी है वो, गीगा प्रेस है। उसमें ये होता है कि गाड़ी का पूरा चेसिस जो है ना एक साथ बन जाता है, तो लोहे को मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके उसको डाई में डालते हैं, वो पूरा चेसिस ना एक ही झटके में बना के निकालते हैं, खत्म। वरना आम जो गाड़ियाँ होती हैं हमारे जो अभी चल रही है राइट नाउ, उसमें वो चेसिस दो डंडे होते हैं, बीच में वो रिपेट्स लगी हुई होती है, नट बोल्ट से टाइट हुआ होता है। कभी अगर आपने बस वगैरह का चेसिस देखा, अब वो नहीं है, खत्म हो गया वो, तो वो एक ही झटके में बना के निकालता है, और उसके बाद उसका दरवाजा क्यों लगा, छत क्यों लगा, रोबोटिक आर्म से हो रहा है, एक बंदा नहीं। ये टोयोटा वोयोटा होंडा ये सब आहिस्ता आहिस्ता उसको अडॉप्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी वो असल में न्यू टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता कॉपी कर लेंगे, उसको सस्ती हो जाएगी। चाइना ने आज तक किसी को छोड़ा है, कॉपी करेंगे उसको, चाइना सस्ते में बना के दे रहा। अब और कौन सी फील्ड बची पीछे जिसका सत्यानाश ना हुआ, सिविल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग्स तो बन रही है ना यार, लोग तो रहेंगे ना कहीं ना कहीं, लोग कहाँ जाएंगे, क्या हवा में थोड़ी उड़ेंगे। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये जो हम कंक्रीट के स्ट्रक्चर में इस वक्त खड़े हुए हैं बैठे हुए, ये सिर्फ हमारे यहाँ रह गई है, बाकी पूरी दुनिया में कंक्रीट की बिल्डिंग आज से 10 साल पहले बनना बंद हो गई थी, वहाँ पे स्टील से नट बोल्ट से टाइट होती है बिल्डिंग, और अब 3D प्रिंट हो रही है बिल्डिंग। कैनेडा में इस वक्त ऐसी कंपनीज मौजूद हैं, ये मैं रियल डेटा बता रहा हूँ आपको, कैनेडा में इस वक्त ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो 4-स्टोरी बिल्डिंग ना एक दिन में बना के जाती हैं, एक दिन में। वो माने वो अपना फैक्ट्री है ना, वो ये पूरा रूम तैयार कर लेते हैं 3D प्रिंटर से, और वो PVC में भी है, कॉन्क्रीट में भी है, दोनों में। कॉन्क्रीट नहीं है वो, असल में एक दूसरी टेक्नोलॉजी, बहुत लाइट वेट होती है, और वो बना के ना ट्रकों में लोड करके लाते हैं, यहाँ ला के सिर्फ असेंबल कर देते हैं, राइट बन गई बिल्डिंग अपनी। और वो जलजला प्रूफ बिल्डिंग भी होती है वो जो बिल्डिंग, क्योंकि वो नट बोल्ट से टाइट है ना, तो वो जलजला प्रूफ भी है, अगर जलजला आएगा तो वो यूँ खुल जाएगी, वो गिरेगी नहीं, मुनदिन नहीं होगी, वो यूँ खुल जाएगी, आप खुले आसमान में आ जाओगे, ऐसे जलजला, मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी भी उसमें इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा, तो अब इन सारी चीज़ों में ना, अगर आपने एक चीज़ अगर कॉमन नोट किया हो, जितनी भी फील्ड में डिसरप्शन आ रही है ना, कौन लेकर आ रहा है, IT, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर हो रहा है ना सारा। बैंक को किसने कवर किया, मोबाइल ऐप में, सॉफ्टवेयर में। ड्राइवर्स को किसने बेरोजगार किया, ऑटोमेटिव व्हीकल में, AI। क्या कहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग को किसने कवर किया, 3D प्रिंटर्स। और इस तरह की बहुत सारी फील्ड है जिसका आप नाम लें वो फील्ड खत्म हो रही है, खत्म नहीं हो रही, मतलब चेंज हो रही है। अच्छा, तो भाइयों अगर कोई इससे अच्छी फील्ड अगर है कोई तो मुझे भी बताओ,
मैं भी छोड़ छाड़ के मैं उसमें लगता हूँ। मेरे हिसाब से इस वक्त सीखने के एतबार से अगर कोई बेस्ट चीज़ है ना तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है किसी भी एतबार से। अभी तो आप वेब एप्लीकेशन सीखेंगे यहाँ पे, जैसे कि सर ने बताया कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन इस कोर्स के एंड में आप बना रहे होंगे अपने हाथ से, ठीक है। अभी हमारा पिछले दिनों हैकाथॉन हुआ था, तो आप उस पर फेसबुक पर देखेंगे ना उनको क्या टास्क दिया गया था, तो वो यहाँ अटेंडेंस का सिस्टम उन्होंने बनाया है। अभी बल्कि एक स्टूडेंट है वो, उसने बड़ा अच्छा बनाया है, मैं देख रहा था, उसका मैं नाम भूल गया, उबैद। तो मैंने उससे कहा था यार मुझे भी दिखाओ, अगर मैं अच्छे से बैठ के चेक करूँगा फिर इंशाल्लाह यहाँ पे जो अटेंडेंस सिस्टम है ना वो आप में से ही एक उबैद स्टूडेंट है जो ऑनगोइंग कोर्स है उसका बना हुआ सॉफ्टवेयर, उसमें आपकी अटेंडेंस हुआ करेगी इंशाल्लाह। और सैलानी में जो आप क्विज जिसमें आपने दिया, अच्छा आपका तो क्विज स्टेडियम में हुआ था राइट, अभी यहाँ जो आपका क्विज हुआ करेगा वो जो सॉफ्टवेयर जो चल रहा है वो भी यहीं के एक स्टूडेंट ने बनाया। सर नाम क्या है उनका? बॉस, बॉस भाई है, वो टीचर टीचिंग भी कर रहे हैं, ट्रेनर भी है वो, तो उन्होंने बनाया है वो। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी उन्होंने जो आपने शायद फिल किया है और एडमिशन के लिए जो फिल किया आपने फॉर्म। अच्छा, तो ये एक वाहिद फील्ड है जिसमें आप एक साल का कोर्स करते हैं सैलानी से या किसी भी दूसरे इदारे से अगर कोई अच्छा पढ़ा रहा है। भाई सैलानी में जो टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है इसमें कराची में कोई भी नहीं पढ़ा रहा, सारे बेवकूफ़ बना रहे हैं। एमटेक तक आप नाम नहीं लिखना चाहिए लेकिन भाई बेवकूफ़ बना रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। मेरे इस वक्त जो ऑनगोइंग बैचेस हैं उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमटेक से पास आउट हैं और वो यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं और उनके ख्याल में एमटेक ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। चार साल कुछ भी नहीं पढ़ाया, चार साल का कोर्स पढ़ा। हमारा बच्चा एक साल का कोर्स करके निकलता है, दो से तीन महीने में उसकी इंटर्नशिप लग जाती है, 20-30 हज़ार कमाना शुरू कर देता है फौरन। अभी आपके सामने ये सक्सेस स्टोरीज बैठी हैं, अभी ये भी आएंगे तो ये बताएंगे कि इन्होंने कब सैलानी से पास आउट किया और इनकी जो जॉब लगी है वो कितने की लगी है और क्या लगा। तो दो साल से तीन साल के अंदर अंदर ना जैसे ही आपको दो साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाता है इंडस्ट्री में तो भाई आप लाख रुपये तक ईजिली कमाना शुरू कर देते हैं। ये भी मैं थोड़ा कम करके बता रहा हूँ क्योंकि आप कहेंगे यार बहुत लंबी फेज है, इसलिए मैं कम करके बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा ही कमाएंगे आप, ठीक है। और इस वक्त ऐसी छीना छीनी चल रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, बंदे नहीं हैं, ऐसी छीना छीनी चल रही है कि एक कंपनी कहती है कि यार 50,000 में हायर किया उसने, उसी बंदे को दूसरे 60,000 हायर ऑफर मारते हैं कि मेरे पास आ जाओ। ये रियल डेटा बता रहा हूँ इस वक्त आपको, बिल्कुल रियल डेटा है। अच्छा, और मेरी बात पर बिलीव करने की जरूरत नहीं है भाई, ये नहीं कि सर खड़े हो तो भाई बहुत, मेरी बात पर बिलीव करने की जरूरत नहीं है। आप linkedin.com facebook.com पे जाएं, उसमें लोगों ने लिखा होता है ना कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, ऐसे लोगों को तलाश करें, उनसे पूछें कि भाई एक बंदा था वो सैलानी में ऐसे ऐसे कह रहा था, क्या सही बात है? तो एक आपको देखें, आप जब एक ही बात ना तीन चार लोगों से पूछें तो झूठ पकड़ा जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने पूछा कि यार फोटो कॉपी की दुकान किस तरह है, तो एक शख्स ने मुझे बताया कि सर ऐसे चले जाए यूँ उधर इधर। अच्छा, वो चला गया। अब मैं दूसरे बंदे से, अगर इसने झूठ बोला है ना, गलत बोला है, गलत बता दिया मुझे, दूसरा बंदा उसको क्या पता कि पहले मैंने क्या झूठ बोला है, अगर वो झूठ बोलेगा तो वो अपना झूठ बोलेगा, वो कह रहे इधर, तीसरा अगर झूठ बोलेगा तो वो अपना बोलेगा इधर। तो अगर दो तीन बंदे सेम बात कर रहे हैं इसका मतलब है वो सही है। तो अगर मैं जो बात कर रहा हूँ ना, आप तीन चार लोगों से पूछें, अगर उनमें से एक दो लोग ऐसी सेम बात कर रहे हैं कि हाँ यार ऐसा है, तो इसका मतलब वो सही है। तो बहुत आसान हो गया तो वेरीफाई करना, अब तो कोई मुश्किल नहीं है ना किसी चीज़ को वेरीफाई करना, ठीक है भाई। और मुसलमान गरीब नहीं होता भाई, पैसे कमाने हैं। अभी मेरा टाइम ओवर हो गया तो मैं ज़्यादा चाहूँगा आप लोगों से, अच्छा जाने से पहले लेकिन आज क्योंकि ओरिएंटेशन क्लास है आपकी, आज आपकी बाकायदा पहली क्लास है, ठीक है। अच्छा दोस्त, इसमें ज़रा github.com खोलिएगा, ये वेबसाइट है github.com। आप सब लोगों से इंशाल्लाह वेडनेसडे को मुलाकात होगी दोबारा, राइट, नेक्स्ट मंडे से होगी। तो नेक्स्ट मंडे को जब आप क्लास में आएंगे ना, तो ये github.com जो वेबसाइट अभी आप ये फोन में दिखा रहे हैं ना, सही है, github.com की अपने पास नोट कर लिया। github.com पे सब लोगों को अकाउंट बना कर आना है, बिल्कुल फेसबुक की तरह साइन अप होता है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। github.com ये सब रूइन ज़्यादा हो गया, नहीं वो बिल्ली का वो लोगो नहीं आ रहा है, ज़्यादा हो गया है, डॉट पे क्लिक करो, एंड्रॉइड जीरो से हो जाता है, साइट हो जाता है।
ये देख रहे हो ये बिल्ली वाला जो आइकन है इससे पहचानोगे github.com इस पे सब लोगों को अकाउंट बना कर आना है। अब इसमें मैं अकाउंट बनाने क्यों कह रहा हूँ, इसकी क्या वैल्यू है, वो इंशाल्लाह पहली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी फिर आपसे क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।